आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट एग्जाम के लिए हिस्ट्री फर्स्ट पेपर, यानी फर्स्ट पेपर जो है वो आपके कैसा आने वाला है, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उन्हें हम हल करके देखते हैं। ये जो मॉडल पेपर होते हैं, इनको हल करने से हमें क्या फायदा होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जरा आपको मैं बता दूं कि मॉडल पेपर आपके सामने नया है, जो मैंने बनाया है ये आपके सामने नया है। इस पेपर को देखने के बाद आपको कितने प्रश्न इनमें से आते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी कोई भी हो, आपको इनमें से कितने प्रश्न आते हैं आप अंदाजा लगा सकेंगे कि मेरे हिस्ट्री में कितने नंबर आने वाले हैं, मुझे हिस्ट्री में कितनी तैयारी करनी चाहिए। यानी आपको आगे की तैयारी करने के लिए एक मार्गदर्शन देता है। इसके साथ साथ इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी होते हैं जो आपकी एग्जाम में रिपीट भी हो जाए, हो सकता है आपकी एग्जाम में रिपीट हो जाए, और आपकी एग्जाम में रिपीट हो जाए तो आपके लिए उन प्रश्नों के उत्तर तो आप बहुत अच्छी तरह से लिख पाओगे। तीसरी बात है कि आप समय पर इस पेपर को कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, पेपर का कितनी लेंथ आती है, कितना लंबा पेपर आता है, और उस लंबे में हमें कितनी स्पीड हमें रखनी है, तो हमें कैसे प्रश्न करने हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो वो सारा का सारा डाउट है वो क्लियर हो जाता है। देखिए, वर्तमान में सभी यूनिवर्सिटीज में ये चल रहा है कि पेपर को आधा करना है, लेकिन आगे के लिए जो भी विद्यार्थी है तो उनके लिए तो पूरा का पूरा ही पेपर आना है, तो उन्हें तो यही देखना है, पूरा का पूरा 100 नंबर का ही देखना है। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो है, वर्तमान में यानी 2022 वालों के लिए, और 2023 वालों के लिए नहीं है ये, 2022 के लिए, 2023 के विद्यार्थियों को तो ये पेपर पूरा ही करना है, इसी तरह का पेपर उनके आना है। अब देखिए, आपको पेपर 1.5 घंटे में करना है, 100 अंकों की जगह 50 अंकों के प्रश्न करने हैं। ये अभी आपके यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन आ गया होगा सभी के लिए, और आपसे ये बता दूं कि पेपर में बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न शामिल किए गए हैं, तो आप जरूर इनको हल करके देखिएगा कि आपको इनमें से कितने प्रश्न आते हैं, आपकी तैयारी कैसी हो जाती है। साथ में ही हल बताया जा रहा है, तो आप इनको अच्छी तरह से तैयार भी करें। इसके अलावा आप यदि अधिक अंक बनाना चाहते हैं तो आपको बुक के जो टेक्स्ट वीडियोज है, टेक्स्ट वीडियो आपको पढ़ने चाहिए। अब टेक्स्ट वीडियो पढ़ने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, टेक्स्ट वीडियो पढ़ने के लिए कहाँ जाना होगा, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाना होगा, और प्लेलिस्ट में जाकर के हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है, अर्थात हिस्ट्री की जो लिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जब क्लिक करेंगे तो सारे है वो खुल जाएंगे। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में भी मैं हिस्ट्री के जितने भी आज तक के पढ़ाए हुए पार्ट है वो सारे लिंक दे दूंगा। तीसरी बात, आप सर्च करके भी जा सकते हैं, CCA/DR रोज जब आप सर्च करेंगे तो भी आपको चैनल मिल जाएगा, और चैनल पर आप अच्छी तरह से देख पाएंगे। आप सभी विद्यार्थियों के लिए टेलीग्राम चैनल भी बनाया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो है आपके कॉलेज क्लासेस, आपको ऑप्शन नहीं देना है, स्पेस नहीं देना है, BY DR रोज। अब आपको ये पेपर देखना है, पेपर आपके कैसा आता है। देखिए, पहला पार्ट आपके वैसा ही है, पहला पार्ट 20 अंकों का आता है, 10 प्रश्न आते हैं, और अगर मान लो थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो भी आपके पेपर में लिखा हुआ आएगा। हमारा मकसद है कि अधिक से अधिक सवाल हल करना, अधिक से अधिक हमें अपने जो इंपॉर्टेंट प्रश्नों तक पहुंचना, हमें शॉर्ट में नहीं, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, ताकि जब हम यहाँ ज्यादा पढ़ लेंगे तो वहां हमारे लिए अच्छा आसान हो जाएगा। तो 20 अंकों का पार्ट रखा है, यानी 20, 20 और 60 ऐसे रखा जाता है, तीन ही पार्ट होते हैं जिसमें पहला 20 का, दूसरा 20 का, और तीसरा है वो 60 अंकों का होता है, जिनमें से 3 सवाल आपको करने होते हैं। तो अब देखिए, पहला प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम बार उत्खनन किसके द्वारा और कब किया गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके, और इसका उत्खनन किया गया था उत्खननकर्ता दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वाज के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में हड़प्पा नगर में इसकी खुदाई की गई। ये छोटे वाला है जिसमें हम 20 शब्द वाला प्रश्न है, ये 20 शब्दों में जिनको लिखना होता है। दूसरा प्रश्न है कि वैदिक धर्म में के साहित्य को समझने के लिए कितनी विधाएं हैं, वैदिक धर्म का जो साहित्य उसको समझने के लिए कितनी विधाएं हैं, 6 विधाएं हैं, शिक्षा, छंद, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और कल्प, ये 6 विधाएं हैं, आपको इस प्रकार लिखनी है, 6 विधाएं इस प्रकार। देखिए, आप कॉपी में भी इसी तरह लिखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। चैनल यदि अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अगला साल जो है यानी सेकेंड ईयर का जो है आप जल्दी ही क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे, ताकि आपके इस प्रकार की समस्या ही नहीं आए, पूरा सिलेबस हो जाए। और तीसरा प्रश्न है, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने अपना ज्ञानोपदेश किसे दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान से देखें इनको।
पहला ज्ञानोपदेश किसे दिया? बोध गया में तपस्वी और मल्लिक नाम के दो बंजारे थे। उन बंजारों को महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम ज्ञानोपदेश दिया था। जब उन्हें ज्ञान हुआ, ज्ञान होने के पश्चात बोध गया में एक तपस्वी और मल्लिक नाम के दो बंजारे थे, उनको उपदेश दिया। चौथा प्रश्न है कि वेद व्यास का मूल नाम क्या था? और मूल नाम था कृष्ण देवपायन। क्या नाम था? कृष्ण देवपायन। तीसरा प्रश्न है, पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को किन चार सिद्धांतों पर चलने के लिए कहा? कौन से चार सिद्धांत उन्होंने दिए थे? पार्श्वनाथ ने अपने यानी जो 23वें तीर्थंकर कहलाते हैं, अपने अनुयायियों को अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, इन पर चलने के लिए कहा था। और आपको पता है कि महावीर स्वामी ने जो ब्रह्मचर्य नाम का जो पांचवा यानी जो सिद्धांत है वो जोड़ करके इसको अणुव्रत सिद्धांत बना दिया था, या महाव्रत सिद्धांत भी बना दिया था। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन, तीन है। कालिदास की प्रमुख नाट्य रचनाएं बताइए। कालिदास ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी? नाट्य रचनाएं लिखनी है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, ये उन्होंने तीन नाटक लिखे थे। सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? सबसे प्राचीन स्तूप के बारे में बताना है। सबसे प्राचीन स्तूप नेपाल की सीमा पर पिपहरवा ग्राम में है, जो अशोक से भी प्राचीन, शायद बुद्ध के कुछ ही काल के बाद बना होगा, यानी बुद्ध के बाद में थोड़े ही समय बाद में बना होगा। वो है पिपहरवा का स्तूप जो कि नेपाल की सीमा में है। सातवां प्रश्न, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? दिल्ली सल्तनत की प्रथम इमारत के नाम से जानी जाती है ये। दिल्ली सल्तनत की प्रथम इमारत के नाम से जानी जाने वाला हुमायूं का मकबरा अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने बनवाया था। प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं, प्रश्न आप अच्छी तरह से आपको आ रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है इसके बारे में यदि अच्छी तरह से आपको मालूम हो रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। बताइएगा कि आपको पेपर कैसा लगा। आठवां प्रश्न है कि मेगस्नीज कौन था और वह पाटलिपुत्र कब आया? मेगस्नीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। 303 ईस्वी पूर्व में वह पाटलिपुत्र में आया था। मेगस्नीज कौन था? मेगस्नीज जो था वह सेल्यूकस निकेटर के का राजदूत था और वह 303 ईस्वी में यहां पर, 303 ईस्वी पूर्व में वह यहां पर आया था। गुप्तकालीन मंदिरों के नाम लिखिए। गुप्त काल में कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं उनके नाम लिखने। भूमरा का मंदिर, तिगवा मंदिर, देवगढ़ दशावतार मंदिर जो झांसी में है, भिटरगांव मंदिर जो कानपुर में है, इन तीन मंदिरों के नाम आपको लिख देने हैं। दसवां प्रश्न जो इसके लिए अंतिम प्रश्न है, यानी पार्ट ए का अंतिम अंतिम है, रामानुजाचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों के नाम लिखिए। रामानुजाचार्य ने वेदांत सारम, वेदांत संग्रह, वेदांत दीपक, भागवत गीता की टीका, ब्रह्म सूत्र की टीका जिसे श्री भाष्य कहा गया है। ब्रह्म सूत्र की जो रामानुजाचार्य ने जो टीका लिखी थी उसे श्री भाष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्री भाष्य कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे लग रहे हैं। अब इन प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखेंगे, यानी ये 20 अंक के हैं लेकिन 50 शब्दों से लेकर के 100 शब्दों तक पूछे जा सकते हैं। 50, हालांकि ज्यादातर 50 में ही पूछे जाते हैं लेकिन 100 शब्दों तक भी वो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले है कि महाविनिष्क्रमण किसे कहते हैं। मैंने ये 50 शब्दों के हिसाब से ही बनाए हैं। 50 शब्द हो सकते हैं, 50 से कम भी हो सकते हैं। महाविनिष्क्रमण किसे कहते हैं वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछा जा रहा है। तो आप इसकी परिभाषा लिख लें कि सिद्धार्थ के द्वारा वैराग्य की भावना में एक रात्रि को अपने पुत्र, पत्नी और पिता एवं संपूर्ण राज्य वैभव को त्याग कर ज्ञान की खोज में निकलने की घटना को बौद्ध एवं धर्म साहित्य में, बौद्ध धर्म और साहित्य में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। संक्षेप में आपको बता दूं कि सिद्धार्थ जो है वो अपना राज्य, अपनी पत्नी और अपने पिता, क्योंकि उनकी माँ तो पहले ही स्वर्गारोहण हो गई थी, तो इनको छोड़कर के, और वो छोड़कर के वैराग्य हो गया था, उनको छोड़कर के निकल गया था। उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इसके अथवा में एक प्रश्न आ सकता है कि प्रतीत्य समुत्पाद क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद क्या है? ये भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है किसी कारण से कोई बात उत्पन्न होना। क्या है? किसी कारण से कोई बात उत्पन्न होती है, अर्थात किसी घटना के लिए कोई भी कारण आवश्यक होता है, बिना कारण कुछ नहीं घटित होता। और इसी कार्य कारण परंपरा को बौद्ध धर्म में प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। प्रतीत्य का मतलब होता है ऐसा होता है, ऐसा लगता है,
ठीक है, समुत्पाद यानी उत्पन्न होने से, यानी ऐसा उत्पन्न होने से ही हमारे, यानी कहने का अर्थ है कि काम का कारण, प्रतीति समुत्पाद का अर्थ है कि काम, कोई भी काम उत्पन्न होने का जो कारण है वो प्रतीति समुत्पाद है। इसके अलावा प्रश्न है आपके, आर्यभट्ट कौन थे, ये 5-5 अंकों वाले हैं और इनमें एक एक अथवा का प्रश्न भी दिया हुआ है, ये ध्यान रखना। आर्यभट्ट कौन थे, तो आर्यभट्ट के बारे में, 476 ईस्वी में जन्मे आर्यभट्ट प्राचीन भारत के श्रेष्ठ गणितज्ञ और ज्योतिष वैज्ञानिक थे, जो 5वीं शताब्दी के दौरान विकसित ज्योतिष प्रणाली के अग्रणी विद्वान माने जाते हैं। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टियम के अनुसार उनका जन्म है वर्तमान बिहार के कुसुमपुर शहर में माना गया है। 23 वर्ष की अवस्था में लिखित उनके प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टीय में कुछ कुल 121 श्लोक है, जो 4 खंडों में विभाजित है, और उसके वो 4 खंडे गीतिका पाद, गणित पाद, काल क्रिया पाद और गोल पाद, ये 4। तो इस प्रकार आपको आर्यभट्ट का संक्षिप्त परिचय लिखना है। इसके अथवा में है नालंदा विश्वविद्यालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नालंदा विश्वविद्यालय पर आ जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय पर आ जाता है, विक्रमशिला पर भी आ जाता है, ये दोनों विश्वविद्यालय हैं वो इंपॉर्टेंट है। मगध में नालंदा महाविहार शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। इस विश्वविद्यालय की ख्याति महात्मा बुद्ध के समय से थी, और इस महाविहार में महात्मा बुद्ध ने कई दिन व्यतीत किए और अपने शिष्यों को अपने धर्म की शिक्षा भी दी थी। बौद्ध विद्वान दिग्नाग ने, कौन, दिग्नाग, बौद्ध विद्वान दिग्नाग ने नालंदा जाकर के वहां के विख्यात ब्राह्मण पंडित सुदुर्गम को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। तब से वहां पर क्या है कि बौद्ध धर्म का दबदबा हो गया था। प्राचीन उल्लेखों और विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर ज्ञात होता है कि इस विश्वविद्यालय में अनेक अनेक बौद्ध विहार थे, और इस महाविहार के भवन है वो गगनचुंबी थे। थोड़ा देख लीजिए, विदेशी यात्री ह्वेनसांग इत्सिंग और इसके अतिरिक्त कई विदेशी विद्वान हैं वो इस विद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आए थे। इस इमारत में स्थित धर्म यज्ञ नामक पुस्तकालय था, जिसमें 3 विशाल इमारतें रत्न सागर, रत्नोदधि, रत्न रंजक थी। यानी ये इसका विश्वविद्यालय का थोड़ा सा परिचय देना होता है। वैसे और भी बहुत सारी बातें हैं जिसमें यह कहा जाता है कि इसमें 10,000 तो अध्यापक थे, तो 10,000 अध्यापक थे तो उसमें शिष्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो ये आप, और भी बहुत सारी बातें हैं इसमें। इसका अगला प्रश्न है कि अधिकांश इतिहासकारों के द्वारा कालिदास को गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन क्यों माना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। कालिदास को यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन क्यों मानते हैं, तो इसके 4-5 कारण हैं, उनमें से 4 कारण मैंने लिखे हैं। पहला कारण है कि कालिदास द्वारा विरचित कुंभार संभव महाकाव्य की रचना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र कुमार गुप्त के जन्म के उपलक्ष्य में की गई। पहली बात तो यह है, उनका जो कुमार संभव महाकाव्य है वो उनके यानी विक्रमादित्य का पुत्र था कुमार गुप्त, उसके जन्म के उपलक्ष्य में लिखा गया ऐसा मानते हैं। दूसरी बात है, कालिदास कृत महाकाव्य रघुवंशम में रघु दिग्विजय का वर्णन है, जिसमें इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में वर्णित समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता था की विजय का वर्णन मिलता है। अब रघु, ये जो रघुवंशम महाकाव्य है, रघुवंशम महाकाव्य में चंद्रगुप्त यानी समुद्रगुप्त की विजेताओं का वर्णन किया गया, तो इसका अर्थ ये है कि वो समुद्रगुप्त की विजेताओं का वर्णन उस समय करना, तो वो यदि वो समकालीन होगा तो ही करेगा। तो तीसरा कारण एक और भी है, तीसरा कारण यह है, कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंश में हूण जाति का उल्लेख किया है, और जो हूण जाति है वो गुप्त काल में भारत में आई थी। हूण जाति का उल्लेख हो रहा है, अब हूण जाति है वो गुप्त काल में आई थी, तो ये भी एक आधार बनता है। चौथी बात है कि कालिदास ने अपनी रचनाओं में गुप्त धातु का प्रयोग किया है बार बार, जो कि गुप्त युग का सूचक है। बार बार उन्होंने गुप्त धातु का गुप्त लिखा है, तो गुप्त धातु का अर्थ है कि गुप्त जो साम्राज्य था वो उस समय था। तो इन 4 कारणों के आधार पर हम कह सकते हैं कालिदास है वो गुप्तकालीन था, चंद्रगुप्त के समकालीन था। इसके अलावा आपके प्रश्न है कि गांधार कला शैली से क्या आशय है। कला शैलियां जो है, जैसे द्रविड़ शैली है, गांधार शैली है, इन शैलियों के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। राजपूत चित्रकला शैली है, राजपूत चित्रकला शैली के अंतर्गत और भी बहुत सारी शैलियां आती है, तो उनसे भी पूछा जा सकता है। तो गांधार कला शैली के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि गांधार कला एक विशिष्ट शैली है, जिसका विकास ईसा की प्रथम द्वितीय शताब्दी में गांधार और अर्थात पाकिस्तान का पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और उसके निकटवर्ती प्रदेश में हुआ था। गंधार कला को इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी कला के नाम से भी जाना जाता है। इस कला का विषय तो भारतीय है, गंधार कला का विषय तो भारतीय है, किंतु उनकी शैली है वो यूनानी है। क्या है? यूनानी है।
बौद्ध धर्म से प्रेरित यह शैली ग्रीको बुद्धिस्ट के नाम से भी जानी जाती है। बौद्ध धर्म से प्रभावित है इसलिए इसको ग्रीको बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। ग्रीको बुद्धिस्ट कह सकते हैं, इंडो ग्रीक कह सकते हैं, हिंद यूनानी कह सकते हैं, गंधार कला कह सकते हैं। तो इसके चार पांच नाम। इस शैली की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो की मूर्तियों से साम्यता रखती है और गंधार कला के नमूने जो है विमरन, लेरियन, हस्तनगर शाहजी की डेरी, हस्तनगर शाहजी की डेरी, तक्षशिला इत्यादि स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। तो यानी छोटा सा हमें आप इस प्रकार ये विवरण लिखना होता है। अगला है कि शाहजहां के काल में, शाहजहां के शासन काल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? शाहजहां के काल को या शाहजहां के शासन काल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो इसके बारे में आपको लिखना है कि शाहजहां का शासन काल मुगल स्थापत्य कला का चरमोत्कृष्ट काल था। शाहजहां को निर्माताओं का प्रिंस कहा जाता है। शाहजहां ने अकबर कालीन हिंदू शैली को त्याग करके पुनः फारसी शैली को अपनाने का प्रयास किया था। हिंदू शैली थी उसको त्याग दिया था, फारसी शैली अपनाने का प्रयास किया था। शाहजहां ने अपने काल में आगरा के किले में निर्मित जहांगीर महल, मोती मस्जिद आगरा की सबसे सुंदर इमारतें हैं। शाहजहां ने किले के पास ही दिल्ली में प्रसिद्ध जामा मस्जिद बनवाई जो बड़ी सुंदर और शाही ढंग की इमारत है। अपनी बीवी मुमताज के प्रति अपने गहरे प्रेम को अमर बनाने के लिए उसकी कब्र पर बना ताजमहल शाहजहां की इमारतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अतः शाहजहां के काल में श्रेष्ठ शैलियों में विकसित स्थापत्य कला के कारण ही मुगल शैली जो है, मुगल शैली का या मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। मुगल शैली का स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने श्रेष्ठ शैलियां विकसित की है कला की, इसलिए इसे कहा जाता है। राजपूत चित्रकला शैली क्या है, अथवा में आपके प्रश्न आ जाता है। राजस्थानी चित्रकला अनेक राजपूत शैलियों का सम्मिलित रूप है। इन शैलियों जैसे मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़, जयपुर, अलवर, बीकानेर, कोटा, बूंदी, नाथवारा ये मुख्य हैं। और यह शैली भारतीय इतिहास में अपना विशेष महत्व रखती है। इस शैली में प्राकृतिक दृश्यों, पानी के जीव जंतु, शिकार के दृश्यों, हाथियों की लड़ाई और उसके चित्र उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजस्थानी चित्रकला के इतिहास में एक नया मोड़ आया और इसके अंतर्गत अनुपात से बड़ी आंखों का चित्रण जो जैन शैली की एक विशेषता थी उसे त्याग दिया गया। यानी उसमें क्या है कि जैसे मान लो आदमी छोटा था और आंखें बड़ी हुआ करती थी, तो उनको क्या कर दिया, अब इस समय उन्होंने क्या कर दिया, ये छोड़ दिया था और वो त्याग करके आनुपातिक रूप अपना लिया। और अब तत्कालीन वेशभूषा दर्शाए जाने लगी, भिन्न भिन्न रंगों का प्रयोग कर चित्रों को रंग बिरंगा बनाया जाने लगा। यानी ये राजपूत चित्रकला शैली थी। सूफी मत की उत्पत्ति कैसे हुई, वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट मोस्ट प्रश्न है, आप ध्यान रखें। सूफी मत की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में काफी मतभेद है। कुछ लोग इसे ग्रीक शब्द सोफिया से मानते हैं, ग्रीक का जो सोफिया शब्द है, और वो कहते हैं कि सोफिया शब्द का ही रूपांतर है वो सूफी है, जिसको पवित्र भी कहा जा सकता है। कुछ लोगों के अनुसार जो व्यक्ति पवित्र थे वो सूफी कहलाए। अन्य विद्वानों का कथन है कि मदीना में मोहम्मद साहब द्वारा बनवाई गई मस्जिद के बाहर सुप अर्थात चबूतरे पर जिन ग्रहहीन व्यक्तियों ने आकर के शरण ली थी और जो पवित्र जीवन बिताते हुए ईश्वर की आराधना में लीन थे वे सूफी कहलाए। एक ये भी है कि मोहम्मद साहब ने जो एक मस्जिद बनाई, मस्जिद के बाहर सुप है यानी चबूतरा है, और उस चबूतरे पर कुछ लोग जिनके घर बार नहीं था वो वहां आकर के नमाज अदा करते थे और वहां आकर के भक्ति किया करते थे, अपने मालिक के आराधना करते थे, और इसीलिए उस आराधना में लीन कहने वाले वो लोग हैं सूफी कहलाए। क्या कहलाए, सूफी कहलाए। और एक अबू नस्र अल सिराज है जो इतिहास के व्यक्ति हैं, अबू नस्र अल सिराज, उनका कहना है कि सूफी शब्द सूफ अर्थात ऊन से निकला है। सूफी शब्द वो सूफ से बना है और सूफ का अर्थ होता है ऊन। जो ऊन के चोगे पहनकर भक्ति किया करते थे उन्हें सूफी कहा गया है। मोहम्मद साहब के बाद जो सन्यासी ऊन के कंबल ओढ़कर घुमा करते थे तथा अपने मत का प्रचार किया करते थे उन्हें सूफी कहा गया है। तो ये यानी सूफी शब्द है वो कई मत मतांतरों में काम में लिया जाता है। और सूफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 869 ईस्वी में बसरा यानी अरब निवासी, बसरा जो अरब अरब में आता है, अरब निवासी जिहाज के द्वारा किया गया था। सबसे पहले 869 ईस्वी में जिहाज ने, जो अरब के थे। सूफी शब्द सर्वप्रथम मोहम्मद साहब के देहांत के 200 वर्षों के बाद सत्ता में आया प्रतीत होता है, परंतु जामी के अनुसार इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 800 ईस्वी पूर्व कूफा के अबू हाशिम के लिए हुआ था। यानी सूफी जो शब्द है वो कूफा, कूफा के जो अबू हाशिम थे, अबू हाशिम के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आपके प्रश्न आ जाता है कि विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत क्या है। रामानुजाचार्य द्वारा स्थापित
रामानुजाचार्य द्वारा स्थापित विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत ब्रह्म को साधारण मनुष्य के लिए समझने में आसान बनाया गया है। इस सिद्धांत में ईश्वर जगत एवं इस सिद्धांत में ईश्वर जगत एवं जीव तीनों को सत्य और अनादि माना जाता है। विशिष्ट वेद सिद्धांत में जीव और जगत को ईश्वर पर आश्रित माना जाता है। रामानुजाचार्य ने इस सिद्धांत के अंतर्गत ईश्वर को सर्वगुण संपन्न सर्वस्व एवं सर्वशक्तिमान माना है। यानी ये जो है यू कह सकते हैं कि सगुण है, ये क्या है, सगुण है। इस ईश्वर को सगुण माना गया है, सर्वगुण संपन्न माना गया है, सर्वस्व माना गया है, सर्वशक्तिमान माना गया है। यानी आम जनता के लिए एक ईश्वर की पकड़ सुनिश्चित करना विशिष्ट अद्वैत है। पार्ट सी आ जाता है। पार्ट सी में से आपको तीन प्रश्न जो हल करने, मैंने पांच प्रश्न आपके लिए बनाए हैं, हो सकता है इनमें से ये पांचों प्रश्न ही आप अच्छी तरह से तैयार भी करें। पहला प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषताओं का विवेचन कीजिए। अपना जो पहला पार्ट का जो लेसन है उस लेसन में इनकी इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। कालिदास की रचनाओं का परिचय देते हुए कालिदास के साहित्य की विशेषताएं लिखनी है, ये भी आपको बुक में मिल जाएगा। नहीं तो फिर मैं जल्दी ही ये प्रश्न है वो आपको कवर मिल जाएंगे, अपने वीडियो पर भी मिल जाएंगे। नवा प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन की विशेषताएं बताते हुए इसके महत्व और प्रभावों की विवेचना कीजिए। दसवां प्रश्न है कि आर्य समाज के राष्ट्रीय चेतना में योगदान की विवेचना करते हुए आर्य समाज आंदोलन की प्रमुख उपलब्धि, आर्य समाज के बारे में आपको लिखना है। भाई आर्य समाज के बारे में आ सकता है, ब्रह्म समाज के बारे में भी आ सकता है, सूफी मत के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आप इन्हें थोड़ा अच्छी तरह से याद कर लें। ग्यारहवां प्रश्न मैंने बनाया है कि निम्नलिखित में से किसी दो पर टिप्पणी लिखिए, एक तो ब्रह्म समाज पर, वर्णाश्रम व्यवस्था पर, चिश्तिया सूफी मत पर और ब्राह्मण ग्रंथ पर। इन चारों में से किसी दो पर लिखनी होगी तो 10-10 अंकों के होंगे तो 20 अंक हो जाएंगे। यानी इस प्रकार 11 प्रश्न है वो आपके लिए बनाए गए हैं और मैं समझता हूँ कि ये पेपर आप जरूर हल करेंगे, हल करके जरूर देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। यदि पेपर पसंद आया तो जरूर लिख के बताइएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और हम इसी प्रकार अपना अध्ययन है वो सुचारू रखें। जय हिंद, जय भारत।